Hey guys, welcome to wealthdekho.com. मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ स्मॉल केस के 5 प्रैक्टिकल बेनिफिट। जी हाँ, मुझे 1.5 साल हो चुके हैं स्मॉल केस को यूज करते हुए, 11 लाख रुपीज से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। तो गाइस, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि स्मॉल केस को यूज करने का क्या बेनिफिट है। ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, स्मॉल केस मुझे इसके लिए पैसे नहीं दे रहा है। जनरली प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और मैं काफी 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बताऊंगा 1 by 1, ताकि आप लोगों को भी पता लग सके कि स्मॉल केस कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, इसको आप कैसे ढंग से यूज में ले सकते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे पर्सनल मैसेजिंग मैं शुरू कर चुका हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल केस के फर्स्ट बेनिफिट की। देखिए गाइस, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो स्मॉल केस को ना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया, तो वो एक पोंजी स्कीम टाइप मानते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्मॉल केस है वो और कुछ भी नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है, और ये एक नया वर्जन है पीएमएस सर्विस का। अब जिन लोगों को भी पीएमएस सर्विस का आइडिया नहीं है, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, पीएमएस सर्विस क्या होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कहलाती है। ये क्या होता है एक्चुअली, जैसे इंडिया के अंदर पीएमएस सर्विस जो है काफी टाइम से चली आ रही है। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक फंड एडवाइजर होता है। मार्केट के अंदर आपको कई सारे पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर दिख जाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपको बेसिकली आपके पास में 50 लाख रुपए का फंड पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको नहीं पता कि भाई कौन सा स्टॉक्स बाय करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है, आपको ABCD भी नहीं मालूम स्टॉक मार्केट की, तो गाइस आप क्या करते हैं, अपने नियर बाय या आपके जो भी रेफरेंस के अंदर जो भी पीएमएस एडवाइजर होता है, आप उसके पास में जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई मेरे को 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो गाइस, वो पीएमएस एडवाइजर क्या करेगा, आपके जो 50 लाख रुपए है उसके अकॉर्डिंग, उसकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो बेसिकली यहां पे इन्वेस्ट करता है, और उसके ऊपर एक AUM परसेंटेज ऑफ द फीस चार्ज करता है। ये जो परसेंटेज ऑफ द फीस होती है वो आपका जो पोर्टफोलियो का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग वो हर साल यहां पे आपसे चार्ज करेगा। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड का साइज है वो काफी बड़ा होता है, वहीं पे जो पीएमएस का साइज है वो 50 लाख रुपए से यहां पे स्टार्ट हो जाता है। इवन गाइस, अभी राइट नाउ भी जितने भी HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पीएमएस की यहां पे सर्विसेज लेते हैं। जब आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इन इंडिया, इसके अंदर आपको लीडिंग प्लेयर्स मिल जाएंगे, जैसे ICICI का प्रूडेंशियल हो गया। तो आप जैसे नीचे आप पे देखेंगे तो मिनिमम टिकट साइज आपको 50 लाख रुपए का मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आप इन सभी की यहां पे सर्विसेज लेना चाहते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका 50 लाख रुपए है, तब भी आप पीएमएस सर्विसेज यहां पे ले सकते हैं। तो गाइस, पहले इंडिया के अंदर इन लीडिंग प्लेयर से पीएमएस सर्विस लेना अपने आप में बेसिकली अफोर्डेबल नहीं था, क्योंकि एक तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो काफी ज्यादा हाई रहती थी, और प्लस इनकी जो फीस भी रहती थी वो काफी ज्यादा हाई रहती थी। फिर गाइस, धीरे धीरे यहां पे जमाना बदल गया, उसके बाद में क्या हुआ, जो इंडिविजुअल बेसिकली स्टॉक एडवाइजर थे जिनके पास में मान लीजिए कोई भी सेबी का लाइसेंस नहीं था, क्योंकि ये वाले जो पीएमएस एडवाइजर होते हैं जस्ट लाइक द ICICI प्रूडेंशियल, इनके पास में यहां पे सेबी का लाइसेंस होता है। लेकिन ऐसे कई एडवाइजर मार्केट के अंदर आ गए जिनके पास में कोई सेबी का लाइसेंस नहीं था, फिर भी वो अपनी पीएमएस सर्विस दे रहे थे। वो क्या करते, मान लीजिए आपको टेलीग्राम के ऊपर कई सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे, जहां पे वो आपको बताएंगे आप महीने के मुझे 5000 रुपए दीजिए, मैं दिन की आपको 2 कॉल बाय एंड सेल कॉल दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कई सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कई सारे यहां पे आपको फ्रॉड भी मिलने लग जाते हैं, क्योंकि जो पीएमएस एडवाइजर होते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो पूरी इस फील्ड से यहां पे अवेयर नहीं होते और वो अपनी सर्विसेज यहां पे सेल आउट करते रहते हैं। तो गाइस, फिर क्या हुआ, ये पूरा जो मार्केट था वो एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था। उसके बाद में आया स्मॉल केस, तो स्मॉल केस ने क्या हुआ, ये जितना भी पूरा मार्केट था जो अनऑर्गेनाइज्ड था, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आप रिटेल जो इन्वेस्टर थे उनके लिए यहां पे प्रेजेंट कर दिया। तो गाइस, यहां पे स्मॉल केस देखिए कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, जो पीएमएस सर्विस आप लोग ले रहे थे पहले भी जो ले रहे थे उसी का एक नया वर्जन है, लेकिन अब ये अफोर्डेबल बन चुका है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो स्मॉल केस के ऊपर आपको जितने भी स्मॉल केस मिलेंगे उन सभी के अंदर एक आपको एक फंड एडवाइजर मिल जाएगा कि किसने ये बनाया हुआ है। फॉर एन एग्जांपल, विनमिल कैपिटल हो गया, कैपिटल माइंड हो गया, वीकेंड इन्वेस्टिंग हो गया, ग्रीन पोर्टफोलियो हो गया, उसके बाद में राइट रिसर्च हो गया, तो ऐसी बहुत सारी फर्म है जो इनके साथ में अलाइन है। इवन जब आप स्मॉल केस की यहां पे वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे पूरी रॉ चलती जा रही है। तो ये जो आप ब्रांडिंग और ये लोगो सारी जो चीजें देख रहे हैं, ये सारे के सारे सेबी रजिस्टर्ड इंडिया की टॉप लीडिंग यहां पे पीएमएस एडवाइजर है जो बेसिकली पोर्टफोलियो बना के देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि स्मॉल केस ने सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया, और प्लस इनकी जो फीस थी वो भी यहां पे कम हो गई, अफोर्डेबल हो गई रिटेल इन्वेस्टर के लिए। दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे स्मॉल केस का ये लगता है कि वन क्लिक के अंदर सारे स्टॉक्स यहां पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपना एक पर्सनल यहां पे स्मॉल केस बना रखा है, तो जब भी मुझे कोई भी स्टॉक्स यहां पे बाय करना होता है, मैं सिंपली यहां पे मैनेज के ऊपर क्लिक करता हूं और कोई भी स्टॉक यहां पे सर्च करता हूं,
हूँ, कंफर्म करता हूँ, मैनेज करता हूँ, तो वो स्टॉक बाय होके इसके अंदर आ जाता है। तो गाइस वन क्लिक के अंदर ही मान लीजिए कभी रीबैलेंस भी होता है, तो कोई भी अपडेट आती है एडवाइजर की तरफ से भी किसी भी स्मॉल केस के अंदर, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कितनी क्वांटिटी के अंदर शेयर बाय करने, कितनी क्वांटिटी में मेरे को सेल करने, वन क्लिक के ऊपर सारी चीजें एक साथ हो जाती है। तीसरी गाइस सबसे अच्छी बात ये पीस ऑफ द माइंड। देखिए पीस ऑफ द माइंड यहाँ पे कैसे होता है, एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले भी मैं डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता था, लेकिन वहां पे ना प्रॉब्लम क्या होती थी, मैं जब भी अपना यार पोर्टफोलियो देखता, मतलब बेसिकली जो नेट देखता, वो हमेशा यार माइनस में चलता रहता, तो मुझे बेसिकली ऐसा लगता रहता कि यार ये क्या है, डायरेक्ट स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करके मैंने गलती कर दी। तो गाइस स्मॉल केस के अंदर मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या लगा, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे लॉन्ग टर्म ये स्टॉक्स, ये जैसे मेरे जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है उसी की बात कर लेता हूं, तो गाइस ऊपर आप देखेंगे सारे पॉजिटिव दिखेंगे, आप नीचे देखेंगे आपको नेगेटिव दिखेंगे। तो गाइस यही हाल मेरे हर स्मॉल केस का है, हर स्मॉल केस के अंदर अगर मान लीजिए 20 कंपनियां हैं, तो 20 में से आप मान के चलिए 3 से 4 कंपनियों के स्टॉक्स माइनस में जा रहे होंगे, बाकी के जो स्टॉक्स है वो प्लस में जा रहे होंगे। तो गाइस यहां पे बेनिफिट क्या मिलता है, आपकी नजर रहती है इस ग्रीन वाले सिग्नल के ऊपर कि मेरा जो टोटल रिटर्न है, ठीक है मैंने ये इतनी कैपिटल लगा रखी है, मेरे को टोटल रिटर्न इतना मिल रहा है, ठीक है, तो वो आपको पॉजिटिव दिखती रहती है, तो आपका पीस ऑफ माइंड रहता है, क्योंकि सेम काइंड ऑफ द थिंग आपकी म्यूचुअल फंड में भी होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी जब आप पैसा लगाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि रोज के रोज आप देख रहे हैं। तो गाइस यहां पे आपको फायदा ये मिल जाता है, कोई भी एक आप थीम पकड़ते हैं तो उसके अंदर अगर मान लीजिए 20 कंपनियां हैं, 30 कंपनियां हैं, उसमें ज्यादातर कंपनियां आपको प्लस में मिलेगी और उसके अलावा आपको माइनस में भी मिलेगी। तो जो माइनस वाली है अगर मैं उसको इंडिविजुअल तरीके से देखूंगा तो मुझे डर लगेगा कि अरे मेरा लक्स इंडस्ट्री का जो स्टॉक्स है वो तो 8% माइनस में चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पर देखूंगा तो मुझे खुशी होगी कि ठीक है एक महीने के अंदर मेरे पास में यहां पर 4% का रिटर्न मैं कमा चुका हूं। ठीक है इस यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल बेनिफिट ही बताता हूं कि कई लोग ये बोलते हैं कि यार मैं स्मॉल केस के ऊपर क्यों जा रहा हूं, मतलब स्मॉल केस के ऊपर चलो ठीक है मुझे पीएमएस सर्विसेज मिल रही है, लेकिन जो ईटीएफ टाइप वाले स्मॉल केस है उनको मैं क्यों बाय कर रहा हूं। तो देखिए क्या होता है ना, जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कई सारे स्टॉक्स खरीद के रखते हैं, मान लीजिए किसी का 3-4 साल पुराना डीमैट अकाउंट है, अब वहां पे कई सारे स्टॉक्स होंगे, रिलायंस का भी होगा, गोदरेज का भी होगा, वर्लपूल का भी होगा, सबका होगा। तो गाइस यहां पे क्या होता है, आप जो अपनी परफॉर्मेंस वगैरह ढंग से ट्रैक नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपने एक महीने पहले जो स्टॉक्स खरीदा उसकी परफॉर्मेंस क्या है, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री आपने 2 साल पहले खरीदा था और अभी राइट नाउ वापस मैं खरीदूंगा तो आपको तो एवरेज कॉस्ट मिलने वाली है, लेकिन आपको पता लगाना है कि राइट नाउ एक महीने के अंदर मैंने जो स्टॉक्स बाय किए हैं उनकी ढंग से मुझे अगर परफॉर्मेंस यहां पे वैल्यूएट करनी है तो गाइस स्मॉल केस एकदम सही ऑप्शन है। इवन मैं अपने जो पर्सनल जो बेसिकली लॉन्ग टर्म मैं जो खुद स्टॉक्स यहां पे बाय करता हूं, खुद मैं पिकअप करता हूं, उसके लिए भी यहां पे मैं स्मॉल केस यहां पे मैंने बना रखा है जिसके अंदर मैं कस्टमाइज करके यहां पे अपने जो स्टॉक्स है वो बाय करता रहता। तो गाइस स्मॉल केस के ऊपर एकदम मेरे को क्लियर यहां पे परफॉर्मेंस मिल जाती है, वहीं पे अगर मैं अपने डीमैट अकाउंट के अंदर लॉग इन करूंगा तो मेरे को 3-4 साल का एक साथ रिटर्न दिखाता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं भाई कि मैंने पिछले महीने अगर 1 लाख रुपए लगा रखे थे तो उसका परफॉर्मेंस क्या हुआ, क्या हुआ इस 1 लाख रुपए का, जबकि स्मॉल केस के ऊपर वो चीज देखता हूं मेरे को एकदम क्लियर हो जाता है कि ठीक है मैंने पिछले महीने 1 लाख रुपए लगाए थे उसका मुझे इतना परसेंटेज रिटर्न मिल चुका है। गाइस पांचवा बट नॉट द लास्ट बेनिफिट कि मैंने आपको बताया कि जो पीएमएस सर्विस है अब यहां पे अफोर्डेबल बन चुकी है। इवन गाइस अगर आप देखेंगे जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कैपिटल माइंड की भी बात करूं तो कैपिटल माइंड की आप वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे तो गाइस ये जो पहले जो पीएमएस जो सर्विसेज थी मतलब जो अच्छे खासे लीडिंग बेसिकली पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर थे वो क्या करते थे, केवल जो हाई नेटवर्थ वाले होते थे जिनका भी मतलब 50 लाख से ऊपर का यहां पे कैपेसिटी होती थी केवल उन्हीं को अपनी सर्विसेज अलाउ करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे कैपिटल माइंड ने जैसे अपने स्मॉल केस के ऊपर लॉन्च कर रखा है, वैसे वीकेंड इन्वेस्टिंग है उन्होंने भी अपना लॉन्च कर रखा है, तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कैपिटल माइंड यहां पे पीएमएस सर्विस सिर्फ 50 लाख से ऊपर वालों को प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर कोई 50 लाख के ऊपर वाला है तो डेफिनेटली वो उनकी इस टाइप की सर्विस को कंसीडर कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर है जिनके पास में इतना ज्यादा फंड होता नहीं है लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं जिनको नॉलेज नहीं है ज्यादा, तो गाइस स्मॉल केस उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वहां पे जितने भी पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर है डेफिनेटली सारे के सारे सेबी रजिस्टर होते हैं और उनको एक्सपीरियंस भी होता है, तो डेफिनेटली आप उनके साथ में एकदम जा सकते हैं। इसके साथ बोनस में गाइस मैं आपको एक और बेनिफिट बताता हूं, कई लोगों को डर ये लगता है कि मान लीजिए कल को स्मॉल केस बंद हो गया तो भाई क्या होगा, तो अगर इन सपोज लेट सपोज अगर स्मॉल केस आपका बंद ही होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो भी आई स्टॉक्स बाय कर रहे हैं अल्टीमेटली आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जा रहे हैं, अगर स्मॉल केस कल को बंद ही होता है तो वो सारे के सारे जो स्टॉक्स है चाहे आपने बाय किए सेल किए वो सारी चीजें आपके डीमैट अकाउंट के अंदर एक्टिविटी के अंदर आपको दिखाई देने लग जाए। गाइस ये प्रैक्टिकल सारे मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए जो भी 1.5 साल के अंदर मैंने एक्सपीरियंस किया। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।